इसी बीच बड़ी खबर कन्नौज से। खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, रुझानों के बीच एसपी कार्यकर्ताओं की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं और अखिलेश को पीएम फेस यहां पर दिखाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, रुझानों के बीच कन्नौज में ये पोस्टर लगे हैं। ये देखिए आप तस्वीर आपके सामने, अखिलेश यादव को पीएम कैंडिडेट यहां पर दिखाया गया है। समाजवादी पार्टी जो काफी अच्छा प्रदर्शन इस बार करती दिख रही है अभी के तक के रुझानों के मुताबिक। देखिए अग्रिम बधाई दे दी गई प्रधानमंत्री, इंडिया गठबंधन के होने वाले प्रधानमंत्री, अग्रिम बधाई। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान बार बार यही कह रहे थे कि अगर INDIA गठबंधन को आप जिताते हैं तो वहां पर कौन होगा प्रधानमंत्री, इसकी लड़ाई हो जाएगी। फिलहाल INDIA गठबंधन सरकार बनाता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री, अग्रिम प्रधानमंत्री होने की बधाई अखिलेश यादव को जरूर दी जा रही है। पोस्टर्स लगा दिए गए हैं और ये पहले से ही क्लियर था कि अगर थोड़ा भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फायदा मिलता हुआ या फिर यहाँ पर एक अच्छी कंडीशन में इंडिया गठबंधन दिखता है तो ये लड़ाई जरूर होगी कि पीएम फेस कौन होगा, पीएम कैंडिडेट कौन मानकर चल रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर बीकानेर से, जहां पर अर्जुन मेघवाल जीत गए हैं। दौसा से कांग्रेस प्रत्याशी जीते, बीकानेर से अर्जुन मेघवाल जीत गए हैं और दौसा से मुरारी लाल मीणा जीत गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं रुझानों के बीच। अब ये भी आना शुरू हो गया है मेनका कि अब जो फाइनली जीत गए हैं, क्योंकि जितने भी राउंड की काउंटिंग थी वो पूरी हो रही है और जैसे ही कुछ जगहों पर ये क्लियर हो जा रहा है कि कौन सा प्रत्याशी जीता, वैसे ही न्यूज 18 सबसे पहले आपको ये भी बता रहा है। तो बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल जीत गए हैं, जीत दर्ज करा ली है और दौसा से कांग्रेस की मुरारी लाल मीणा ने भी जीत हासिल कर ली है। तो बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारे सीट हैं जहां पर तस्वीर पूरी तरह से क्लियर हो गई है, जीत हार का फैसला हो चुका है। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रुझानों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, कितने सीट क्लियर हो गए वो भी दिखा रहे हैं। 24 पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, 9 पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। पूरे भारत की अगर हम बात कर लें, 239 पर बीजेपी आगे चल रही है, 295 पर NDA आगे चल रहा है, इंडिया 227 पर आगे चल रहा है इस वक्त, और NDA 37, उत्तर प्रदेश में आगे INDIA 41, यानी कि INDIA अभी तक जो 44 हम दिखा रहे थे अभी 41। दीपक रंजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, दीपक रंजन जी का रुख कर लेते हैं। दीपक रंजन जी, जो ये आंकड़े आ रहे हैं, जो रुझान की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, और क्या कहेंगे आप, आपका रिएक्शन क्या होगा? पहला देखिए, जो रुझान आ रहा है उसमें इंडिया गठबंधन जो है हर सीटों पे बड़ी मजबूती के साथ लड़ता हुआ दिख रहा है, और खासतौर से देखिए उत्तर प्रदेश, क्योंकि केंद्र की सत्ता का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, और हमने उत्तर प्रदेश में NDA के रथ को अगर किसी ने रोकने का काम किया यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन थोड़ी जल्दी नहीं हो गई कि वहां पर अखिलेश यादव को अग्रिम बधाई दे दी गई, भविष्य के प्रधानमंत्री, इंडिया गठबंधन के, बधाई दे दी गई, थोड़ी जल्दी नहीं हो गई? देखिए ये अपने कार्यकर्ता की भावना है, कार्यकर्ता ने अपनी भावना व्यक्त की, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तो देखिए अगर इंडिया गठबंधन की कहीं से संख्या बल आती है और कहीं सरकार बनती दिखती है तो निश्चित रूप से जो है इसे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, आपस में तय होगा पार्टीज की। लेकिन देखिए भले ही समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में स्थिति बेहतर हो दीपक जी, लेकिन देश में सरकार बनाती तो सपा नजर नहीं आ रही है। ऐसे में बहुत जल्दी अगर आप ऐसे पोस्टर लगा देते हैं, आप कह रहे हैं कि एक कार्यकर्ता की भावना है, लेकिन इस भावना से ठेस भी पहुंच सकती है और आपका बना बनाया खेल बिगड़ भी सकता है, ऐसा नहीं लगता आपको? अब क्या ये कहीं काउंटिंग को प्रभावित कर देगा? ये जो काउंटिंग चल रही है उसको कहीं काउंटिंग को नहीं करेगा, लेकिन आपके सहयोगी दलों को तो निराश कर सकता है, उनके बीच तो थोड़ी सी खलल डाल सकता है।